हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम मैनेजमेंट बायोस ड्राइवर इसको और आगे के इन जो तीन ऑप्शन है इनको कवर करेंगे। आखिर ये होते क्या है और ये विंडोज 10 में काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे आपने पिछली वाली वीडियोस देखी होगी तो मैंने पिछली वीडियोस में ऊपर के इन ऑप्शन को कवर कर दिया था। अगर आप उनको देखते आएंगे तो ये वाला आगे के ऑप्शन आपको हार्ड नहीं लगेंगे, तो सबसे पहले आप ऊपर की वीडियोस देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं आखिर ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम मैनेजमेंट बायोस ड्राइवर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बायोस का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि अगर बायोस आप समझ जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में और कुछ बेसिक कमांड देने में काम आता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप नया नया कंप्यूटर लाते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो एक खाली होता है। लेकिन दोस्तों जब हम उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए विंडोज 7, विंडोज 10, काले लिनक्स, लिनक्स उबंटू, कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की एक स्क्रीन दिखती है जिसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों वो होती है हमारी बायोस की सेटिंग। इस बायोस सेटिंग के द्वारा ही हम अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं या कुछ बेसिक कमांड वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर जो कमांड देने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उस समय जो कंट्रोलिंग का काम होता है ड्राइवर के द्वारा, वो इसी के द्वारा किया जाता है। आपको पता ही होगा कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर हर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं वो ड्राइवर्स के थ्रू ही चलाए जाते हैं। लेकिन जब हमारे सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं, तो हमारे सिस्टम में ड्राइवर्स को मतलब सॉफ्टवेयर को कौन कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों कुछ ड्राइवर्स ऐसे ही हमारे सिस्टम में पहले से ही होते हैं जो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते समय ही डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी उसी में से है, जब हमारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तभी हमारे सिस्टम में ये बायोस वाली सेटिंग और इसका जो ड्राइवर होता है ये पहले से इंस्टॉल कर दिया जाता है, ताकि जब हम अपने सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम भरें, चाहे वो विंडोज 7 हो, लिनक्स हो, काली लिनक्स हो, तो उसको वो अच्छे से कंट्रोल कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही साथ काफ़ी सारे ड्राइवर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई ना कोई तो ड्राइवर चाहिए ही होगा। तो दोस्तों ये वही ड्राइवर है जो हमारे सिस्टम में बेसिक इनपुट और आउटपुट और ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने में मदद करता है। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट UEFI कंप्लेंट सिस्टम। तो दोस्तों UEFI का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो UEFI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या करता है, दोस्तों ये ऑप्शन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और फर्मवेयर, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का काम होता है, इनपुट और आउटपुट ले जाने का काम, वो UEFI करता है। वैसे दोस्तों UEFI का बहुत सारा काम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते समय जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करवाना, और आपको मैंने बता ही दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है, बेसिक काम इसका यही होता है इस वाले ऑप्शन का। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि फर्मवेयर क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे फर्मवेयर के बारे में थोड़ी बहुत आपको बताया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि फर्मवेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर लगे होते हैं, तो हर हार्डवेयर का कोई ना कोई काम होगा। तो हर हार्डवेयर के जो काम होते हैं वो एक छोटे से चिप के अंदर सेव करके रखे जाते हैं, एक कोड होता है फर्मवेयर, तो उस कोड को ही हम फर्मवेयर कहते हैं। यानी हर हार्डवेयर का जो काम होता है उस काम को एक कोड के रूप में रखा जाता है, इसी कोड को हम कहते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो कम्युनिकेशन का काम होता है बेसिक वाला, वो इसी के द्वारा हैंडल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट UEFI कंप्लेंट सिस्टम। अगर दोस्तों हमारे वो कम्युनिकेशन के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है या UEFI में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये उसका कंप्लेन करने का भी काम करता है, यानी नोटिफिकेशन देने वगैरह का काम भी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सेटिंग है, इसको भी अपडेट करने के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस है जो मैंने किया था। अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ड्राइव इनोमिनेटर। आखिर ये है क्या और ये करता क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, ऐसा ही नहीं कि हमारा कंप्यूटर बस बटन ऑन किया और चालू हो गया। दोस्तों जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का पावर बटन ऑन करते हैं तो काफ़ी सारी स्टेप बाय स्टेप हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। अब दोस्तों अगर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ड्राइव इनोमिनेटर, तो होगा क्या, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट
करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो हमारा कंप्यूटर भूल जाता है। तो दोस्तों जब वो स्टेप भूल जाएगा तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा। वो तब तक होता रहेगा जब तक हमारे कंप्यूटर के परफेक्ट स्टेप्स ना पता चल जाए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये करप्ट होता है तो आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होगा या चलते चलते अचानक से बंद हो जाएगा। तो इसको भी आप अपना अपडेट वगैरह करके रखिएगा। अपडेटिंग का प्रोसेस वैसा ही है जैसे मैं ऊपर करते आया हूँ, इसका दोस्तों यही काम होता है। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ACPI। अब दोस्तों ACPI का मतलब मैंने ऊपर भी समझाया था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ACPI है क्या दोस्तों? ACPI एक तरीका का सिस्टम है। ACPI का फुल फॉर्म होता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर इंटरफेस। ये हमारे सिस्टम में जो पावर होती है, बैटरी की पावर होती है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ACPI का यही काम होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो पावर होती है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करे, ताकि हमारे कंप्यूटर की बैटरी भी बचे और जिस कंपोनेंट को जितनी ज़रूरत हो उतना हमारा वो उसको दे सके। अब दोस्तों हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे लिनक्स हुआ, काली लिनक्स हुआ, उबंटू हुआ या विंडोज 10 हुआ। तो दोस्तों हम अपने केस में ज़्यादातर विंडोज़ को ही भरते हैं। तो दोस्तों जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ACPI से किस तरह कम्युनिकेट करेगा, ये वाला ऑप्शन यही करता है। अगर आपने लिनक्स भर के रखा होगा तो ये लिनक्स के लिए काम करेगा, लेकिन आपने विंडोज भर के रखा हुआ है तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ACPI, यानी दोस्तों हमारा विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 या 10 वो ACPI के साथ किस तरह कम्युनिकेट करे, ये वाला ऑप्शन उसको हैंडल करता है। यानी हमारा जो विंडोज 10 है ये ACPI के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये चार ऑप्शन समझ में आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो बेसिक जानकारी थी मैंने बता दी। फिर भी दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिटेल में नहीं कवर कर सकता, क्योंकि डिटेल में कवर करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबी वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी। मेरा बस बेस मोटिव यही रहता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में मेन मेन जानकारी दे दूँ, बाकी सब चीज़ें तो आप ऑनलाइन जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं या कहीं से देख वगैरह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक मार के जाइएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।